और दू दूसरे रिश्तेदारों का हो तो उनको विरासत देने की जो रिवायत है वो ख़त्म होती जा रही है इसके हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिले इन सब पर डिस्कस करते तो असल देखिए इस्लाम का जो कानून है ना इस्लाम में जो हक हकूक मुतिन किए गए हैं उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह ने अपना हक मुतिन किया है और बंदों का भी हक़ मत किया है और अल्लाह ने जो हक मुतिन किया ना अपना उसको हम बज़ दफ़ा देखते हैं अल्लाह ने घटा दिया है लेकिन जो बंदों का हक़ है उसको बढ़ाया अल्लाह ने यानी अपना हक तो अल्लाह एक जगह पर माफ़ कर सकता है लेकिन अगर बंदों का हक इसी ने ले लिया हड़प कर लिया तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता तो ये माल का हक़ भी अगर कोई इंसान उसको ज़िम्मेदारी दी गई है ज़िम्मेदार है ज़िम्मेदार बनाया गया है वो लोगों का हक़ नहीं देता है तो ऐसे में वो इंसान इतनी बड़ी तबाही के दहाने पर जा रहा है कि वो अल्लाह जो रहीम है रहीम अपना हक़ माफ़ कर सकता है वो भी उसको माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि मज़लूम इंसान ना माफ़ करता तो ये विरासत का हक भी माली हक है उसी से मुतल चीज़ है तो विरासत की क्या अहमियत हो सकती है समाज में इस्लाम के अंदर व्रास्त व्रास्त की क्या असल में बहुत अहम चीज़ है और ये वरासत का जो सिस्टम है ये इस्लाम को दीगर मजाहिब में मुमताज़ भी करता है और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने बजाते खुद ही इसके सारे अहकाम अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाए और यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते का भी समझ लीजिए सहारा नहीं लिया किसी नबी का भी इसमें कोई खास दखल नहीं रखा बल्कि अल्लाह तमाम तर तफसीलात को अल्लाह ने खुद बयान किया नमाज है रोज़ा है या दीगर इबादतें हैं अल्लाह के नबी सन की तफसीलात बयान फरमाई आप देखें हादीस में मिल जाएंगी लेकिन ये वरासत ऐसा मसला अल्लाह खुद इसके तमाम तरह तफसील के साथ बयान फरमाए हैं ये इस एस वजह से भी ना ताकि इसमें किसी की राय की गुंजाइश ना हो अल्लाह ने जो फिक्स कर दिया न जो रख दिया ना वो है वो रहेगा उसी हिसाब से उसी सिस्टम के तहत चलना चाहिए माली मसला भी है इसमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं क्योंकि माल जो है इंसान के नफ्स को गलत काम पर भी उभार सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इसको अपने हाथ में लिया बिल्कुल ऐसे बहुत कम अहकाम शेख मिलेंगे जिनको अल्लाह ने कुरान में ही वाजे कर दिया बहुत कम ऐसे अहकाम है, है जिनको अल्लाह ने कुरान में वाजे कर दिया लेकिन जो विरासत का मसला आखिर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एकदम क्लियर कर दिया एक बात मैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में नमाज रोज़ा जक़ात ये सारी चीज़ें तो बयान की लेकिन उसके अहकाम बयान नहीं किए नमाज कितनी रक़ात पढ़नी है रुकू कितना करना है क्या करना है ये सारी चीज़ें लेकिन विरासत के तल्ल से अल्लाह ताला ने एक एक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें बता दी और आखिर में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मिन अल्लाह इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा कि अल्लाह ताला के बताए हुए फरीदे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है और अल्लाह ताला हमत वाला है यानी इसमें जो जानता है ना मुफसरीन ने यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह ताला यहाँ पर यह बात बता रहा है कि जिन लोगों को इस बात का शुबा हो सकता था कि भाई इनको इतना मिलना चाहिए था इनको कम क्यों मिल रहा है इनको ज़्यादा क्यों मिल रहा है इनको कैसे मिल रहा है उस शुबे को भी अल्लाह ताला ने यह कह कहकर खत्म कर दिया कि इल्म रखने वाला सिर्फ अल्लाह है अब जो अल्लाह के अहकाम नाजिल हो चुके हैं तुम्हारा काम सिर्फ अमल करना है नॉलेज के साथ उसके हाँ भी है। जी 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 बिल्कुल विजडम भी है, है।, है। जितना देना है जिसको कितना जिसको जितना देना है कौन कितनी चीज का हकदार है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है तो ये इसकी अहमियत है कि अहकाम बयान करने के साथ साथ उसके जो तमाम तर बातिल सोच होती थी अल्लाह ताला ने उसको भी खत्म कर दिया इसके अलावा और मतलब कोई भी इल्म आपको नजर नहीं आएगा कोई भी मसला जितनी तफसीलात के साथ अल्लाह ने बयान के साथ ना मैं दो एक शेयर तो ये करूंगा मैं शेख ने जो कहा कि तफसीलात जिक्र की है एक तो अल्लाह रबूल आलमिन ने कुरान में जिक्र किया दूसरा जो कुछ भी कहीं थोड़ा बहुत चुभा रहा अल्लाह के रसोल ने उसको क्लियर किया और अल्लाह के रसोल्म के जो कोई वाकई और हादसे उस जमाने में अगर नहीं हुए उसके बाद जो पेश आए खलीफे अवल और खलीफे सानी के दरमियान उन लोगों ने इस्तेहाद करके इस मसले को क्लियर कर दिया मतलब चारों तरफ से कोई भी शुभ बाकी न रहे किसको कितना हिस्सा मिलेगा हर एक के लिए अल्लाह रबालमीन ने जो फरीजा है उसको मुतयन कर दिया है एक बात ये, दूसरी बात ये कि औरतों का हक अल्लाह रब्लम ने जो मेनशन किया वो औरतों को सामने रख करके किया मतलब जमाने जाहलीत में औरतों पर जुल्म इस कदर होता था कि जो उस वक्त का बाप का बड़ा बेटा जो होता था वो सारे के सारे माल पर काबिज हो जाता था किसी को नहीं देता था और यही चीज आई इस्लाम के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं हजरत बिन रबी है इंतकाल होता है और उस वक्त उनकी दो बेटियां होती हैं और एक बीवी होती है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके सामने दरबार में हाजिर होती हैं कहती हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे इन बच्चियों के चचा यानी सात के भाई ने सारे माल पर कब्जा जमा लिया है जबकि वो सात बिन रबी आपके साथ वहद में शहीद हो चुके हैं हमारे इन बच्चियों का खर्च है हमारे इन बच्चियों का खास जिक्र किया कि शादी वगैरह करना है हमें हमें एक शादी करना है तो हम कहां से मतलब अखराजात को जिक्र करें जब इनके पास माल होगा तो मतलब ने ये ने है कि अल्लाह आलमीन ने औरतों को सामने रख करके आयत मराज को नाजिल किया और एक कानून बनाया ये अहमियत क्या है ताल्लुक से इशाला भी पूरी डिटेल के साथ हमें बात करनी है क्योंकि इस मसले में सबसे ज्यादा मजलूमियत का शिकार होते हैं लेकिन इससे पहले इल्म मरासी की अहमियत अगर मैं जानना चाहें तो जो भी इस इल्म से जुड़ा है उसको कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी थी जैसे कि मान लीजिए एक हदीस में अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर का जिक्र किया कि वो सबसे रहम दिल इंसान है और हज़रत उमर का जिक्र किया कि वो दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त है तआला रजील्ला त हया और हजरत अली के फैसले का जिक्र किया वहीं पर ज़ैद बिन साबित का जिक्र किया हालांकि वो इन बड़े बड़े के फहरिस्त में नहीं आते नहीं लेकिन जैद बिन का जानकार थे जानकार थे कितना हिस्सा मिलेगा उसके जानकार थे इसलिए उस हैसियत में उस दर्जे में उनका भी जिक्र कर दिया एक मसला था कि हजरत उमर रजी तआला के जमाने में एक शख्स को उन्होंने गवर्नर मुक्र किया था मक्का पर उसको उसके बाद हाँ जी जी तो जब वो उसकी मुलाकात नाफि बिन अब्दुल हारिस की हजरत उमर से हुई वो हट चुके थे तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि अभी मक्का का गवर्नर किसे मुकर किया है तो उन्होंने बोला कि हमारे गुलामों में से एक गुलाम को हमने मुकद्र किया है तो वो जब हजरत उमर उमर इस तरह था वो कि रजी अल्लाह मक्का आ रहे थे खबर लेने के लिए उस वक्त खलीफा हजरत उमर ही थे तो नाफे बिन अब्दुल हारिस ये वहाँ के गवर्नर थे और इस्ते के लिए हजरत उमर के वो बाहर निकले थे शहर से जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो हम लोग शहर के इस्तेबाल के लिए बाहर निकलते हैं तो नाफ़े बिन अब्दुल हारिस जो है हजरत उमर के इस्तबाल के लिए वो बाहर निकले तो हज़रत उमर से जब मुलाकात हुई तो हज़रत उमर ने पूछा कि तुम ठीक है इस्तबाल के लिए आए तो हो लेकिन अपनी जगह पर किसको मुकर करके आए हो खलीफा यानी जो वहाँ का गवर्नर है वो किसको मुकर्र नायब किसको बना के आए हो तो हज़रत नाफे बिन अब्दुल हारिस ने कहा कि इबन अफ्जा को बना करके आया हो तो हज़रत उमर जानते नहीं थे इबन अफ्जा तो उन्होंने हज़रत उमर ने पूछ लिया कि इबन अफ्जा कौन है तो उन्होंने कहा जवाब दिया कि मऊलम मवालीना फिब बिन अब्दुल हारिस ने कहा गुलाम। हमारे गुलामों में से एक गुलाम अब इसके दो माने हो सकते हैं एक तो ये कि वो गुलामों में से आम एक गुलाम था और दूसरा ये कि वो कोई खानदान वाला नहीं था बिला नसब था यानी कोई बहुत बड़े शख्स नहीं थे तो हजरत उमर गुस्सा हो गए कि तुमने ऐसे शख्स को जो है गवर्नर बनाया है जिसके ताल्लुक से जो है वो गुलाम है ऐसे शख्स को गवर्नर मुकर किया तो उस पर अब नाफि बिन अब्दुल हारिस रदी अल्लाह तजरत उमर से कहा था कि उमर तुम जानते नहीं हो इबन अफ्जा उनका पुरा नाम अब्दुलरहमान इबन अब्जा था कहा कि तुम इब्ने अफ्जा को जानते नहीं हो ये इल्मुल मीरास के माहिर है कुरान के और इल्मुल उल मीरास के माहिर है तो हज़रत उमर अल्लाह जी, जी जी अदना गुलाम जिसकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं थी हजरत उमर रजी अल्लाह तार का तुमने बहुत सही काम किया जी हाँ जी। हजरते आ... उम्र ताला एक जगह पर खुतबा दे रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों को मीराज का है तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह तुझे वक्त का खलीफा और अमीर वक्त का उस वक्त के हैं वो जब इमारत हजरत उमर फारूक रजी तन के पास थी उन्होंने कहा कि जैद बिन साबित से हासिल करो तुम लोग इस्लाम आया है तो उससे पहले की भी कुछ तहजीबें थी वो भी इसका हम देख लेते हैं कि उनका क्या कल्चर था क्या था उनकी क्या रिवायती थी यहूदी एक पुरानी तहजीब समझी जाती पुराना कल्चर समझा जाता है उसके यहाँ पर मीरास में जो लड़का होता था बेटा होता था सबसे बड़ा बेटा वो बाक़ी बेटों के बनस्बत डबल हिस्सा लेता था और बेटों के अलावा किसी की मीरास में कोई हिस्सा नहीं था और औरतों का तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था चाहे वो माँ की हैसियत से हो या बीवी की हैसियत से हो या बेटी की हैसियत से, से बेटी को सिर्फ इतना है कि उसको खर्च दे दिया जाए जो उसकी जरूरत है वो पूरी कर दी जाए उसके बाद भी उसका कोई भी हिस्सा नहीं थी वो भी बारह साल तक की उम्र तक खाली बेटी को दिया जाएगा और बीवी का ये था कि बीवी अगर मर गई तो उसके माल का पूरा मालिक शोहर होगा उसके बच्चों का भी नहीं होगा औरत के और अगर वो मर्द मर गया उसका शोहर मर गया तो उसमें से बीवी का कोई हक नहीं था इस तरह का जुल्म था और ईसाइत के अंदर भी बाकायदा इस तरह की कोई खास असला नहीं मिलती गोया की वो भी उसी थीत में कैसा कैसे मतलब हिस्से थे लेकिन वो सब बराबर थे बराबर। और मतलब ऐसा आदल नाम की कोई चीज नहीं थी में नहीं आए थे को भी तब्दील करने के बाद का मामला है ये वही बात हाँ। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ मुसाइल इस्लाम की शरीय था ऐसा जबकि उन लोगों का खुद साख्ता साख्ता बनाया मतलब तौरात को भी उन लोगों ने चेंज कर दिया था अपने से जो बनाया था सिर्फ लड़कों को मिलेगा वही सिस्टम ईसाइयों ने भी एक्सेप्ट किया था वही कर रहे थे जमाने आया यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर तो उस दौर की हालत हम जानते हैं कि लड़कियों को जिंदा रहने लायक नहीं समझा जाता था कुछ औरतों को इज्जत दी जाती थी लेकिन अक्सर और वेशतर हालात यही थे तो उनको वरासत में हिस्सा देना और अपने माल में हिस्सा देना, देना ये तो दूर की बात थी फिर इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने हर एक का हक मुतैन किया कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई नसीब उम्मात रकल वाल वालबूल वाल निस नसीब मम तरक वाल्रबून यहाँ देखिए कुरान की आयत का देख... इमतज़ देखिए कि बहुत कम मकाम ऐसे होते हैं जहां पर अलग करके औरतों का भी जिक्र करें यानी मर्दों का अलग जिक्र हो औरतों का अलग जिक्र हो लेकिन आयत मीराज जब अल्लाह ने नाजिल की तो बाकायदा औरतों का लफ्ज जिक्र किया वर इन निशाई नसीबों में माता रकल वाल अक्रब उनकी औरतों का भी हक है अगर वालिद या करीबी रिश्तेदार छोड़ कर गए माल तो उसमें औरतों का भी हक बनता है क्यूँकि हाँ 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 ऐसा है। ही था कि औरतों को समझा ही नहीं जाता था कुछ समझा जाता था मीराज जो है वो सिर्फ मर्दों का हक है या जो ताकतवर लोग है उनका हक है तो इस्लाम ने इस तरह से इस्लाम ने कैसा है ना जिसका जो हक बनता है जिसका जो हक है इस्लाम ने वो देने की कोशिश की यानी इस्लाम में इफरात मामला नहीं इस्लाम में ज्यादती नहीं है इस्लाम में किसी को महरूम करना नहीं है बल्कि जिसका जो हक है उसको वो हक दिया तो इस्लाम गया इस्लाम की खसूसियात में से यही है ना एतेदाल। हर चीज में वो लोग जरा ये सोचें कि इस्लाम ने ही स्टार्ट किया औरतों के हुकूक देने के लिए लोगों के एक निज़ाम देने के लिए इस्लाम ने इबदा किया और आज इस्लाम पर ही इतराज़ करते हुए तो इस्लाम ने देखिए ना तो पहले जमाने की तरह ना तो औरतों को बिल्कुल खत्म कर दिया और नहीं आज के जमाने की तरह कि कुत्तों को भी हक दिया जा रहा है माल में से हाँ। उसमें से भी हक दिया जा रहा तो है तो उसको भी वारिस वाले ऐसा इस्लाम ने नहीं किया जिसका जो हक था जितना बनता था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय किया जैसे आयत मरास में जो अल्लाह ने कालीमन हकीम वो वैसे नहीं कहा वो अपनी नॉलेज इल्म की बुनियाद पर

की जो एहलियाँ थी जब उनका इंतकाल हो गया तो अपनी बच्चियों को लेकर वो आई और उन्होंने ये मुतालबा किया और ये मसला रखा ये मसला जब पेश किया तो उस मौके से अल्लाह ताला ने इस कानून को नासिल किया तो गोया कि औरतों को उनका हक दिलाने ही के लिए ये सिस्टम आया था ये कानून आया था और, और आज हुआ हुआ अच्छा वैसा नहीं ये नहीं बल्कि आप देखें हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना उसका भी आप पस मंजर देखेंगे ना तो ये जो हाँ एक खातूनी सबब इसमें भी बनी तो जी इसमें इस इस इसमें सात बिन रबी वाला जो है ना उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा देखिए एक तो ये था कि साद बिन रबी की जो है वाइफ थी जो साहबी की वाइफ थी उन्होंने अल्लाह के नबी से शिकायत की थी कि उनके भाई ने पूरा माल लूट लिया लेकिन उसमें जब आप देखेंगे ना जब अल्लाह तला ने आयात मीरास नाजिल की और मीरास शरी एबार से तकसीम किया गया कि दो बेटियां थी तो उनको जो है अः दिया गया और एक बीवी थी बीवी की बेटी की मौजूदगी में बीवी को आठवा हिस्सा में दिया गया तो जहां पर साद बिन रबी के भाई ने पूरा माल ले लिया था ना तो वो माल में से ये दोनों का यानी बच्चों का और बीवी का हक मिला करके एट्टी परसेंट इन लोगों के हक में आया और जहां उन्होंने पूरा लूटा था बीस परसेंट उनको गया सात बिन रबी के भाई को गया अस्सी परसेंट दिलवाया और जहां जो पूरा लेके बैठा था उसको सिर्फ बीस परसेंट अल्लाह रबी ने दिया

तो इससे भी ये क्लियर वाजह होता है ना कि मतलब इसका ताल्लुक औरतों से है और किस कदर है कि अल्लाह ने उनके अहकाम जहाँ जरूर थे अल्लाह ने वहाँ नाजिल फरमाया नबी वाला किस्सा है वो एक तरह से आज के समाज की तस्वीर भी है जो आज के समाज में चल रहा है ना तकरीबन वही सूरत हाल उस जमाने में भी थी इस्लाम के आने से पहले जो तारीखी का जमाना था अंधेरे का जमाना था उसमें क्या किया कि चाचा ने सारा माल ले लिया उसकी बच्चियों को नहीं दे बेटा नहीं था अगर बेटा होता तो बेटे को मिल जाता लेकिन चूंकि कमज़ोर थे ये लोग बीवी कमज़ोर एक हिस्सा बीवी का और बेटियों का कमज़ोर हिस्सा माना जाता है तो इन लोगों का माल उस बंदे ने हड़प लिया आज भी ऐसे होता है और आज एक देखिए एक और बात उन्होंने उनकी बीवी ने साद बिन रबी की बीवी ने और जिक्र की थी वला तुन कहान है अला वलुमा मान कि इन बेटियों की शादी मैं इस बुनियाद पर ही कर सकती हूँ जब इनके पास माल होगा जब ये रिश्ते आएंगे अच्छे रिश्ते अगर देखने हैं तो उसी वक्त आएंगे जब इनके पास माल होगा तो आज के समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी हमें अच्छे रिश्तों का ना मिलना वो ये भी है कि विरासत से हमने अपनी बच्चियों को महरूम किया यानी आज भी हमारे करूँ की अल्लाह रबुल आलमीन ने इन औरतों के हकूक के सिलसिले में उनको पैमाना बनाया है जो मर्दों को हक मिलेगा विरासत में पैमाना उसका कहां से तय होगा औरतों के हुकूक देने के बाद कहाक अरेदिल उनसे दो और लड़कियों को जो हिस्सा मिलेगा वो एक लड़के को मिलेगा मतलब औरतों को आप, को को देना देना ही पड़ेगा। फिर आप देंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि मर्दों को कितना देना है यहाँ पर जो फराइज इसमें दो हिस्से होते हैं वरासत दो तरह से बांटी जाती है एक तो अल्लाह रबीन ने खास हिस्से रखे एक बटा तीन एक बटा आधा या दो बटा तीन इस तरह के फिक्स, फिक्स, फिक्स हिस्से रखे यानी फिक्स, फिक्स शेयर रखे अल्लाह रब्बुल अलाब्लामी ने दूसरे वो जो फिक्स नहीं है जब सब बढ़ जाएगा तब बाकी में से मिलेगा तो जितने फिक्स शेयर है ना जितनी भी औरतें तकरीबन सारी की सारी औरतों को फिक्स शेयर अल्लाह रब्बुल रबालमी ने दिया है ताकि कोई इंसान इनके हक में घपला ना मार सके और इनको मुकम्मल हिस्सा दिया जाए इसमें खास चीज क्या है एक तो ये कि जो फिक्स है कि भाई इनको इनको इतना इतना मिलेगा वो है उसमें आमतौर पे देखेंगे तो कमजोर लोग हैं दूसरा ये कि उनको पहले देने की बात देने की जो देने है जो कमजोर लोग हैं हाँ कि वो उनकी लिस्ट तैयार होगी कीकर के जो फरज है जो हिस्से है वो पहले उनको दे दो यानी जैसे खुतिन है बीवी है अगर तो उसको दे दो बेटिया है उनको दे दो माँ है तो उनको दे दो पहले उनको दो जो बाकी बचा है वो इनके भाइयों को मिलेगा या फिर जो अगर कोई मर्द बचा है असबा जो बन रहा है उसको दिया जाएगा। मजबूतों, को पीछे, मजबूतों को पीछे रखा है मजबूतों मतलब को पीछे रखा है वो असल में कंडीशन वही थी ना वो जो जमाना ही ऐसा था कि वो जमाने जाहिलियत में कमजोरों को दबाया जाता था औरतों को दबाया जाता था तो अल्लाह रबूल ने उस नफसियात से उभारने के लिए उसको अलग करने के लिए एक तरह से पहले कमजोरों को आगे किया कमजोरों ना को पहले ना कमजोर मजबूत होगा ना कमजोर है तो क्या हुआ उसको मिलना चाहिए अगर कमजोर है औरत हो तो क्या हुआ उसको मिलना चाहिए उसको मिलने के लिए दिलाने के लिए इस्लाम ने सिस्टम की पहले उसको मिले फिक्स मिले फिर बचेगा फिर ये सब लाने के बावजूद भी आज सूरत हाल ये है कि मतलब जिनका हक है पहले था उनको मिल ही नहीं रहा है और जो मजबूत लोगों में लेके बैठे हैं और... मैंने जाहिलियत में गोया हम जी रहे हैं जिसको देना चाहिए था पहले तो हम जिसको देना चाहिए था उसको हम नहीं दे रहे हैं तो ताजुब तो की तेरा बात तो, तो शेर यह है कि मैंने कुछ मसायल सुने कुछ लोगों की बाजुबानी उसमें से यह है कि पहले जितना हिस्सा था मान लीजिए किसी का हिस्सा था कोई पहले हिस्सा निकाल दिया जाए एक खास हिस्सा उन्होंने मुकर किया हुआ है कि हिस्सा निकाल करके कुछ लोगों ने खास मुकर बटा तीन से ज्यादा में औरतों का हिस्सा नहीं है अच्छा। एक बटा तीन माल जो है जितना हिस्सा बनता है वो उसी में से दिया जाएगा एक बटा तीन से तजावज नहीं होना चाहिए ये औरत का हिस्सा बल्कि बाद हालात ऐसे आ जाते हैं कि पहले फना को दे दो और जो बाकी बचेगा उसमें से औरतों का हिस्सा इतना बाढ़ दिया जाए यानी वसीयत है इस्लाम ने ये सिस्टम बयान किया अल्लाह ने खुद बयान किया ना ये सिस्टम ताकि किसी और की राय की गुंजाइश ना हो किसी और का दखल ना हो किसी की मर्जी ना हो तो अल्लाह ताला ने बजाते खुद जो बयान किया सिस्टम की कब किसके लिए कितना है तो वही पैमाना उसी हिसाब से चलना चाहिए तो इसमें औरतों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादा का मामला हो रहा है एक तरह से जो जमाने जाहियत जाहियत की आज देखे आप खुद बताए की आपके गाँव में जितने लोग हैं या जितने घराने हैं कितने घर ऐसे होंगे कि उनके यहाँ ये देने का तस्वर है बहुत कम बहुत कम कम है असल में रिवाज ही नहीं है चंद लोग होंगे कुछ मुसलमानों के दरमियान में ये चीज नहीं पता है उन लोगों को कि विरासत तकसीम भी होती है आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है ना एक माँ के चार बेटे हैं अब वो चारों काम करने वाले हो गए अपना अपना एक ने उधर घर ले लिया 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 अब बाप का जो माँ का घर था अब उसमें जो भाई रह रहा है ना तो वो ये समझता है कि बस यही मेरा घर है और इसी में मुझे रहना है इसमें किसी और का कोई हक नहीं है मतलब विरासत बांटने का सिस्टम ही नहीं है कि भाई हमारे वालिद ये ये छोड़ के गए थे तो इन लोगों को इतना मिल जाना चाहिए दिया जाना चाहिए अच्छा इसमें एक खास बात क्या मालूम कि इसको गलत समझा ही नहीं जाता है। अगर समाज में कोई चोरी करे वो तो देखो चोर है किसी का माल हड़प के खाए अरे वो जो है गुंडा है जबरदस्ती लेकर खाता है वो जुल्म करता है वो फला सेना करता है आप सोचिए ये कितनी बड़ी ज्यादती है कितना बड़ा जुल्म है ये तो डकैती है कि पूरा का पूरा हड़प ले लेकर बैठ रहा है सांस भी नहीं ले रहा है डकार भी नहीं ले रहा है और पूरी कौम सब खामोश तो तो है किसी को एहसास भी नहीं होता कि ये गलत हो रहा है बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं लोग पूछते हैं कि फला इंसान जो है वो सूद का माल लेता है इंटरेस्ट पर काम करता है उसके क्या उसके घर का पानी पी सकते हैं खाना तो अलग उसके घर का पानी उसके घर के बर्तन में पानी पी सकते है कि नहीं पी सकते हालांकि ये सूद अपनी जगह पर गलत है लेकिन ये इंसान तो पूरा ऊपर से नीचे तक वो हराम माल में डूबा हुआ है इस इंसान के बारे में क्यों नहीं सवाल होता कि इसने अपने माँ का हक हाँ मारा अपनी बहन का हक हाँ मारा अपनी बेटी का हक हाँ नहीं दिया इस इंसान ने तो क्या इस इंसान के घर खाना जायज है कि हो सकता है उसके अक्सर माल उसका नब्बे परसेंट माल जो वो हराम पर बेच दो लेकिन इसके बारे में सवाल नहीं होता क्योंकि वो तस्वर ही नहीं की है गलत है नहीं ये बात तो क्लियर हमारे समाज में ना इसका ही नहीं हम लोग जो तस्वूर इसको ऐसा कर दिए हैं कि समाज में कोई हिस्सा नहीं देता इसके नतयज पे लोग गौर नहीं करते हैं असल नतज आप देखो इस पे क्या होते हैं कि एक औरत को अगर उसका हक सही तौर पे ना दिया जाए तो क्या क्या उसमें सर फसाद लाजिम आते हैं नंबर एक औरत चोरी करना शुरू कर देती है मतलब क्या करेगी इधर उधर चोरी करेगी और वो चोरी पे उसका बड़ा नाम होगा कि उसने चोरी किया ये किया भाइयों ने उसका हक दबा के रखा उसको नहीं दिया एक दूसरी चीज समाज में वो जुल्म बरबरीत वो औरत ऊपर जो जुल्म ढाया जाता है वो औरत जहां शादी हो गई वहां से कभी किसी भी जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार है वो कभी अपने घर की तरफ वापस नहीं जाती है क्योंकि वहां पर लोगों ने उसके कुछ हक ही नहीं बनता है तीसरा उसके साथ में यह मामला हो जाता है कि वह औरत या तो खुदकुशी कर ले या तो जुल्म के सहते रहे औरत खुदकुशी तक कर लेती है वो कि मतलब यह सब अगर असबाब उसके ओ, पास मौजूद होते कि अगर उसको यह मालूम होता कि मैं ये जुल्म नहीं सहूंगी बाहर जाकर के मेरा हक इतना मौजूद है मैं यहां पर इतना हक ले सकती हूं और मैं अपनी जिंदगी काट सकती हूँ गुजार सकती हूँ या दूसरी शादी में कर सकती हूँ तो औरत यहां पर जुल्म के मतलब दो चक्की के पार्ट में पिसती नहीं वो बल्कि निकल जाती वो जा करके अपने और इकदाम करतीज पर लोग नतीजा हो सकता है ताकि समझे उससे पहले जैसे की हमने साद बिन रबी की हदीस सुनी और इसी तरह से साद बिन रबी वास रजील तुम की एक हदीस है उसमें भी आज के समाज की कुछ ना कुछ झलक हमको मिलती है हुआ यह था कि वो बीमार हो गए थे सफ बीमार थे और उनको अपनी जिंदगी का यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा तो अल्लाह के नबी वसल्लम से उन्होंने मशवरा किया कि अल्लाह के नबी वसल्लम ऐसा है कि मैं मालदार हूँ अनू माल मालदार हूँ मैं और मेरी सिर्फ़ एक बेटी है वाला रसिल्ला इबनतुल्ली मेरी सिर्फ़ एक बेटी मेरी वारिस बन रही है तो क्या मैं अपना पूरा का पूरा माल सदका कर दूँ ये देखिए ये जहनीत जो आज कल के की बेटी को ना दिया जाए क्योंकि बेटी का पराया धन है वो दूसरे के घर चली जाएगी तो वो माल उन लोगों का हो जाएगा ये वाली सोच लेकर के देखे वो कहा कि क्या पूरा का पूरा माल मैं सदका कर दूँ अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि नहीं उन्होंने कहा कि अशत्र या निस उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं आधा भी नहीं करना आधा माल भी आप सदका नहीं, नहीं कर सकते हालांकि सदके पर शरीयत में जगह जगह उभारा गया कि इंसान जितना सदका करे उसके लिए उतना बेहतर है वो उसके लिए एक ज्यादा एक तरह से इन्वेस्ट हो जाएगा अल्लाह के यहाँ लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको भी मना कर दिया फिर जब उनका इसरार हुआ तो अल्लाह के नबी वसलम ने कहा व कसीर माल का एक तेहस है यानी तैतीस परसेंट के करीब आप कर सकते हो लेकिन ये भी ज्यादा है और आगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है इन न का अंतर वरासत का अग्निया खैर का अंतर हम आलतन या तक कि तुम अपने वारिसों को मालदार करके जाओ चाहे तुम्हारी एक बेटी हो दो बेटे हो या कोई भी हो वारिसों को मालदार करके जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है इस बात से कि वो फकीर रहें और लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें इसे एक पॉइंट और इस्लाम ने देखिए इस तरह से हक इनका दिया और ये साथ बिन अभी वक्का वाला जो वाक आज की हमारी सूरत हाल है कि बेटियों को सिर्फ इस वजह से महरूम किया जाता है कि वो बेटी है उसको इसलिए नहीं दिया जाता कि वो हमारे घर पर तो नहीं रहेगी वो दूसरे के घर पर जाएगी उसका माल हो जाएगा हालांकि तो यहाँ जो हदीस में अल्लाह के नबी ने हमत बयान की है कि उसको इतना माल दे दिया जाए कि वो खुद मालदार महसूस करे अपने आप को दूसरी बात समाज में क्या करते हैं बहुत सारे लोग हैं वो क्या आ, मतलब इस तरह की चैरिटी करके ना अपने आप को बहुत दीनदार साबित करना चाहते हैं समाज में मतलब वो बताना चाहते हैं मैं अल्लाह के राम में कितना खर्च करने वाला हूँ वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को गरीब करके फकीर और कल्लास बना करके दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला बना करके भेज रहा हूँ मैं छोड़ करके जा रहा हूँ जबकि सच्चाई ये है कि वो आपका दीन और तकवा नहीं है तकवा आपका ये था कि आप अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक बांटते और दे करके जाते ये नहीं कि आप चैरिटी कर दो सदका कर दो अल्लाह के रामी कुछ भी मतलब ये लोगों का का तकवा मियार अगर सदका भी आदमी करना चाहे तो नहीं कर सद्का नहीं सद्का� नहीं करना ये देखिए यार देखो दो मैार है एक एक दुनिया जो सोच रही है एक इस्लाम क्या सोच रहा है इस्लाम ये सोच रहा है कि सदके से बेहतर है कि अपने वारिसों को मालदार करके जाओ और ये देखिए भाई उसका हक है बिल्कुल कंप्लीट माल सदका नहीं कर सकते जितना थोड़ा बहुत कर सकते हो इसमें देखिए बल्कि देखिए इसमें देखिए अल्लाह के नबी ने खुद बताया कि अगर अपने हिलोयाल को खिलाते हो तो उसका भी सवाब है वो बल्कि अफजल सदका है दी दी। और फिर मान लीजिए आपकी विरासत में उसका हिस्सा मिला और अच्छा बड़ा हिस्सा मिला हो सकता है वो आपके नाम पे सदका कर दे कोई मस्जिद बनवा दी दी। दे कोई इदारा बनवा दे तो अगर वो इतना मालदार उसको आप करके जाओगे और वो नेक साले रहेगा तो आपके लिए आपसे बड़ा काम वो कर सकता है और इतना बड़ा काम कर सकता है कि आप तमन्ना या सोच भी नहीं सकते थे मतलब तो, ये कि वो लोग समझते नहीं कि इससे उनकी बेटी या जो भी उनकी आ, मतलब बेटी वो जिल्लत का शिकार होती है आमतौर से आप देखेंगे ना कि जब आदमी के पास माल हो और पता हो कि ये मालदार है तो लोगों में यकीन उनकी इज्जत होती है लेकिन नहीं है। उसके बावजूद ये की एक शख्स ने दो शादियां की थी एक तो सऊदी अरब में उसकी बीवी रहती थी और एक बाहर के मुल्क में उसने शादी की हुई थी लेकिन जब वो इंसान मरने लगा तो घर वालों को नहीं पता था कि उसने वहाँ भी शादी की है उसने अपने बच्चों को बताया कि वहाँ भी एक तुम्हारी वालिदा है यानी मेरी बीवी है तो विरासत में उसका भी हक देना तो वो बड़ा अच्छा मालदार इंसान था जब विरासत तकसीम हुई तो करोड़ा करोड़ रुपये उसके हिस्से में आए और वो लोग लो उसको दे करके आए उसके बाद जब दे करके आ गए तो ताल्लुक तो कुछ खास था नहीं वहाँ जाते आते नहीं चंद सालों के बाद फिर से जाना हुआ वहां पर तो उस एरिया में जब वो लोग पहली बार गए थे कोई इस्लाम की निशानी नहीं थी लेकिन जब दोबारा से गए तो वहां पर एक अच्छी शानदार मस्जिद बनी हुई थी जब तहक़ किया पता लगा कि उनकी सोतेली ने उन्हीं पैसों से जो बाप की विरासत से उनके हिस्से में आई थी दी दी। उस पैसों से मस्जिद बनाई और इस मस्जिद में इदारा भी है बच्चे पढ़ते भी है और इस्लाम की दी के नशोर शाह काम चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है सही काम करने के लिए भी रास्ता सही होना बिल्कुल होना चाहिए किसी का हक मार के या गलत रास्ते से अच्छा काम भी नहीं किया नहीं किया जा सकता है और भी बहुत सारी चीजें इस तरह देखो सही रास्ता अपनाओगे ना गलत रास्ता अपनाओगे अपनाओगे तो उसके गलत सही। सही अपना तो गलत नतीजा निकलेगा सही, रास्ता उसमें एक ने हजारों निकल सही बात समाज में से बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी चीजें पाई जाती है जो गलत फहमियों के तहत मसला एक कुछ जैसे एक वालिद है वालिद के दो तीन बेटे हैं और वो एक बेटा उसमें से नाफरमान निकल गया नाफरमान इस कदर नाफरमान की भाई उसको कहीं शादी करना था और इन लोगों को कहीं और करना था तो इन लोगों की फरमाबरदारी नहीं किया इनकी बात नहीं भी कहीं और शादी कर लिया उसने क्या करते हैं फौरन मैं अपने तमाम जायदाद से इसको आग करता हूँ मतलब बेदखल करता हूँ आज के बाद मेरा मुंह ना देखे मेरे जनाजे में ना आए सारे के सारे फरमान वहीं पर उगल देते समाज, हैं। इसको मान भी और लेता समाज है। उसको एक्सेप्ट करती है और उस पर नाफिज भी करती है जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि, कि कितना भी नाफरमान बच्चा हो अगर इस्लाम नहीं छोड़ा है दूसरे धर्म को नहीं अपनाया है अगर वो मुसलमान है तो उसका हक नहीं लिया जा सकता है वो उसके बाप के महजूब के में से नहीं है उसको, उसको देना पड़ेगा हमने जब ये इस तो हैं। तो के बात किया ना कि अल्लाह तला ने इस कानून को तफसील के साथ खुद नाजिल किया क्यूँ ताकि किसी और के राय की इसमें गुंजाइश ना हो किसी और की दखल अंदाजी न हो ये इतने बड़े पैमाने पर आलमी तौर पर अल्लाह के इस कानून की जो बगावत हो रही है खुल्लम खुल्ला मनमानी मर्जी हम अपने तौर पे जैसा चाह रहे हैं इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं ये कितना बड़ा गुनाह कितनी बड़ी जाति है अल्लाह ने बजाते खुद इसको क्यों बयान किया सारी तफसी में किसी और के साथ को नहीं जोड़ा क्यों ताकि किसी और की दखल अंदाजी ना हो सारी चीजें अल्लाह की तरफ से क्लियर रहेंसी के बावजूद भी इतनी बड़ी मनमानी इतनी बड़ी धांधली आप देखें अच्छा इसमें हम इसबाब बात कर लेते हैं क्या है ऐसा मतलब औरतों के साथ बतौर खास ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है बुनियादी इस्बाब तो जिहालत है कि लोगों को इलम ही नहीं है विरासत के तल्लुक से क्योंकि आमतौर पर इसके ताल्लु से ज्यादा बोला नहीं गया है और लिखा भी गया है तो लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है उनका ये कहना होता है कि भाई तो ला इलमी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किसका कितना हक हाँ होता है कैसे होता है कैसे देना है और जब मालूम है तो फिर अमल नहीं हो रहा है जिन लोगों को पता है नहीं असल में ये चीज़ है।, है नहीं इसका चलन नहीं है हमारे यहाँ जब आदमी ये देखता है जैसे कैसा ना कि अगर चोर चोरी करता है तो लोग जानते भाई ये गलत है और लोग बोलते भी ये गलत है है ना गलत निगाह से देखते हैं हकीर उसको गलत समझते हैं तो हमारे समाज में कैसा ना कि कोई मीराज खा गया ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब ये समाज हाँ, का हिस्सा हो गया कल्चर मतलब ये हो आम सी कल्चर गये। गये। है मतलब नहीं 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 देना तो नहीं, कोई नहीं देता हम भी नहीं देते और एक बड़ी वजह हो सकती है जहेज जहेज का जो सिस्टम चला हुआ है इस बुनियाद पर महरूम कर दिया जाता है कि इसको तो हमने जो इसका हक था पांच लाख दस लाख जो था वो उसकी शादी में हमने खर्च कर दिया वो दे दिया है अब इसका हमारे माल में कोई हिस्सा नहीं बनता हालांकि अपने दिल को तसल्ली देने हालांकि ये बात बहुत गलत बात है अगर आप उसके बाप हैं और जहेज मतलब देना पड़ रहा है मजबूरी में देना पड़ रहा है तो वो ऐसा ही है जैसे कि आपका कोई बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है बीमार हो गया किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया या फिर गिरफ्तार हो गया उसको छुड़वाने के लिए पैसे लगाने पड़ रहे रकम लगानी पड़ रही है तो जिस तरह उसके लिए लगानी पड़ रही है ऐसे ही है तो ये इन्फाक की कबील से इन्फाक यानी खर्च करना जिसकी जिम्मेदारी बाप पर होती है उस जिम्मेदारी के तौर पर वो खर्च कर रहा है वो जिम्मेदारी निभा रहा है अगर नहीं निभाएगा तो गुनहगार होगा लेकिन इसकी बुनियाद पर वो अपनी विरासत से और लड़की को महरूम नहीं कर सकते। असल में बेटी की जो शादी की जिम्मेदारी वो बाप की जिम्मेदारी है बेटी की शादी बाप को ही करना है अब पहली बात तो जहेज वगैरह से उसको बचना ही बचना है और किसी मजबूरी में फंस गया उसको देना ही पड़ रहा है घर चे वो गलत है अब दे रहा तो लेकिन उसको बहाना नहीं बना सकता कि हमने जहेज दे दिया तो हम जो है अब नहीं देंगे विरासत में ऐसे हादसा बच्चों के साथ भी पेश आते ना कोई एक्सीडेंट हो गया या वो जहेज है बनाना है और जहेज है वो एक है, कोई इस्लाम नहीं है और ये एक इस्लाम है और इस्लाम का निजाम है वो बाप के मरने के बाद होता है, है बाप के मरने से पहले तो वरासत तकसीम ही नहीं हो सकती ना तो कैसे उसको वरासत से जोड़ा जा सकता है वरासत का तो हिस्सा है ही नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है खर्चा ये हदसत के लिए हदिया है भाई, अरे भाई एक वा... जरूरत पे पेहत एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया शेख अभी अब उसको इसमें इलाज मसला ये जरूरत है। तो पैसा खर्चा करते हैं ना वाले आप, आप बताए एक लड़की के जहेज में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा किया जाता दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख ना अरे यार डॉक्टर बनाने के लिए आप पचास लाख खर्चा करते हो बच्चे पे करते हो कि नहीं करते हो बच्चा बीमार हो गया पचास लाख आपका लग गया तो क्या बोलोगे पचास लाख लगा हम उसको रासत में हिस्सा नहीं देंगे और वहां से माइनस करने हाँ नहीं करते हैं ना लड़के का नहीं होता है लड़कियों का ही हमेशा जाता है और एक नहीं, बात... असल में कैसा है ना शेख ये, ये जहेज है।, है इलाज सबब के तहत होता है अगर बेसी भी बीमार हुई तो गलत होना ही नहीं चाहिए गलत है बिना सबब है ना इसके लिए लोगों को दिखता है जबकि जहेज तो होना ही नहीं चाहिए शरीयत में इसका तो कोई मतलब अगर जहेज खत्म हो जाए ना तो आ, मैं कहता हूँ विरासत अगर मिलने लग जाए ना तो जहेज खुद ब खुद खत्म हो जाए खत्म हो जाएगा आदमी ले ना, ले... आदमी को क्या यही देखता ना इस लड़की को दूसरे घर जाना है हम हम उसको क्यों दें देंगे तो किसी और का फायदा होगा कैसा है ना शाफात में मैं एक बात बोलना चाहूंगा वो ये कि आदमी जहेज लेता है ना तो वो ये सोच करके लेता है कि अभी जो ला लेगी वो ला लेंगी इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है वहां से ला लो वो घर वाले मजबूर करते जबरदस्ती करते अगर हाँ कि अगर उसको पता चल जाए कि नहीं भाई वफात की बात तो विरासत तो मिलने ही वाली है तो मैं समझता हूँ ये जहेज की झंझट ये झगड़े ये लड़कियों का घर में बैठना सिर्फ जहेज की वजह से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और इसमें देखिए एक बहाना और बनाते हैं ना कि मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि नहीं चलो वो विरासत नहीं है तो बोल देते हैं कि हमने गिफ्ट दे दिया एक तरह से हदिया कर दिया तोहफा दे दिया तो इसमें भी इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए इस्लामी असूल से इतने नाबलद लोग नाइल है उनको यह भी नहीं पता कि हदिये का भी कुछ उसूल है कुछ कायदा कानून है तो हदिया सिर्फ एक बच्चे को नहीं दिया जाएगा अगर आपने दस रुपए या दस लाख रुपए एक बच्चे को दिए बतौर हदिया तो बाकी, बाकी के बाकी सारे लोगों को देना पड़ेगा नुमान बिन बशीर हदीस जो है कि उनके वाली साहब उनके किसी एक को हदिया दिया और आकर के उन बश को ही दिया था। हाँ तो उनकी जो अहलियत थी उन्होंने कहा कि मैं जब तक नहीं कबूल करूंगी तब तक के अल्लाह के नबी को इस पर गवाह ना, ना बना लो वो लेकर के आए अला के नबी के पास और कहा कि अल्लाह के नबी मैं इसको हदिया देता हूँ आपको गवाह बनाता हूँ अल्लाह के नबी ने पूछा अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या आपने हाँ इसके अलावा भी जो आपके बच्चे हैं उनको भी दिया है उन्होंने कहा कि नहीं ये सिर्फ इसके लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता अगर वो हदिया समझ भी जहेज दे रहा है हदिया समझ करके तोहफा समझ करके अपनी बेटी को दे रहा है वो भी गलत है इस बुनियाद पर कि अगर तोहफा होगा तो बाकी के सारे बच्चों, बच्चों को देना, देना पड़ेगा पड़े पड़े नहीं और सबको देना है और देने के बाद बाप के मरने के बाद जो कुछ बचा है वो भी तकसीम वरासत तो बाद में तकसीम होगी मरने के बाद ही होगी हदिया तो जिंदगी में दे आ, सकता सको जिंदगी में दे सकता है इसके लिए अगर हदिया देना है तब भी बराबर देना है नहीं कोई भी बहाना कहीं से वरासत से नहीं जोड़ा जाएगा लड़की को इस बुनियाद पर जहेज की बुनियाद पर विरासत से महरूम करने के जितने बहाने ले आए लोग लेकिन अच्छा एक खास बात ना मुझे बड़ी हंसी आती है लोग बोलते कि बहन ने माफ कर दिया बहन ने माफ कर दिया यार आप कोई ऐसा वाक्य बताए कि कभी भाई ने माफ किया हो बिल्कुल यार भाई कमाने वाला है वो मजबूत है वो कारोबारी है बहन तो वो घर में रहने वाली है बच्चों वाली है उसको तो और ज्यादा जरूरत है तुम मालदार हो कमाने वाले हो नहीं कभी कभार होता है मेरे कहा भाई कभी नहीं मतलब तो ऐसा नहीं कि ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता होता है एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं नहीं का है है भाई भी देता थोड़ा लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है ये अच्छी बात नहीं है जिसका हक है उसको लेना चाहिए अब लेने के बाद चाहे किसी को भी दे देखा ऐसा भी होता है ना कि मैं आपको कहू दू मैं दस रुपए दूंगा आपको ठीक है आपके दिल में रहता है कि नहीं दे नहीं दे नहीं दे मत लो मत दो आप जब तक मैं आपके हाथ में ना रखू आप कहते हो मत दो लेकिन जब हाथ में रख दू ना तो फिर थोड़ा दिल ये होता है कि चलो जेब में भी रख लेते होता है आप इसको सुने जी की किसी काम पर मामूर किया जिसको उजरत दी जाती थी सबको और अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर फारुक रजी को भी दिया देने का उम्मीद उस वक्त जब दे रहे थे ना तो क्या कहा कि ये मुझे जरूरत नहीं है आप किसी और को गरीबों में बांट दीजिए किसी और को दे दीजिए तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया खुश भी अपने हाथ में लो और फिर जो चाहो अब यहाँ सवाल ये है कि जब इंसान के हाथ में माल आता है ना उसका

और अगर उनको देना ही है तो देखे की छोटा भाई मेरा गरीब है उसको दे दे कोई बहन गरीब उसको दे दे, दे दे या और करीबी रिश्तेदारों तो को हाँ। अच्छा इसी तरीके से वो मस्जिद बनवाना चाहे या हाँ। कोई वो उस, उसकी चीज है ना भाई भाई ये बताइए आप जो बड़ा भाई है जो जिम्मेदार बांटने वाला है वो करोड़पति है या लखपति है क्यों उसको दे उसको दे या उसको देके इसका क्या फायदा हो रहा है बताए ना आपको इस बहन का क्या फायदा हो रहा है भाई उसके हाथ में ले आ गया वो अब वो खैर का काम नल लगवा दे मस्जिद बनवा दे या जहाँ भी जारी है तो तो भाई, भाई देखो एक, एक बात की, जो है माफ करने वाली बात बहुत बार आप सुनेंगे कि उसने अपनी ज़बान से कहा मैंने माफ कर दिया वो साइन भी कर कर दे दे सब कुछ कर दे, लेकिन असल इसके पीछे आप वजह क्या है अगर वो माफ नहीं करेगी अपना हक मांगेगी तो भाई उससे नाराज हो जाएंगे उसका जो घर का दरवाजा मैके का जो दरवाजा है वो उसके लिए बंद हो जाएगा बल्कि यहाँ तक के डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं तो हमारे लिए मर चुकी है इस तरह के डायलॉग से बचने के लिए इस तरह के रिएक्शन से बचने के लिए वो औरत डर करके माफ करती है कहीं मेरा अपने आप से पत्ता ना काट दे बहुत उसमें देखिए आप ये बताएं शेख एक मिनट इसमें आप ये बताएं कि क्या आज की हमारी माए बहनें अल्लाह के नबी नबीसूम के ज़माने की जो खवातीन थी उनसे ज्यादा नेक है उनसे ज्यादा माफ करने वाली है आप देखें अल्लाह के नबी वसलम के दौर में एक बीवी अल्लाह के नबी के पास आ रही है, इस मसले को लेकर नानी और दादी आ रही, है। दादी आ रही है। दादी फातिमा खुद अबू बकर के पास पहुंच गई कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया मेरा जो हक मंतला दो हालांकि वो हक था नहीं उनका हालांकि उनका वो हक नहीं था।, नहीं था जो छोड़ते रखना सदका लेकिन हम ये देखते हैं कि इस्लामी तारीख में जो नेक खीन थी जिनकी मिसाल दी गई वो भी अपना ये हक लेने के लिए पहुंची हैं तो आज भी इन खुत को जरूरत है किस बात है ना तो मैं कहता हूँ कि ससुराल में वो इतने झगड़े इतने लफड़े क्यों होते हैं इसी माल की मोहब्बत की वजह से तो होता है कि मतलब वो बेटा अपनी माँ पर खर्चा करता है अपने बाप पर खर्चा करता है अपनी बहन पर खर्चा करता है तो बीबियां खड़े होकर क्या बोलती है सारा पैसा वही देना है हमारा क्या होगा हमारे बच्चों का क्या होगा यहाँ तो लड़ाई करने के लिए तैयार है जरा अपने भाई के बारे में नहीं बात कर लेती है आकर के वहाँ क्यों माफ करने वाली मतलब बात बात ये हो रही है बात है असल की शुरू में हमने बात नहीं करती शुरू में बस है दूसरी जगह पर शुरू में हमने बात की थी कि औरत मजलूम है लेकिन यहाँ जालिम बन जाती है मजलूम हर जगह नहीं होती असल हो में उनको मौका मिलने वाली बात होती है अभी वहाँ भाई लोग हैं और एक दरवाजा है कि हमारे अगर घर वाले, वाले, उनके ससुराल वाले जुल्म करेंगे तो मैंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड देखिए आप जब औरत अपना हक माफ कर देती है ना तो वो हीरोइन नहीं होगी हाँ जब वो हक मांग लेती है तो वो जालिम हो जाती है जब हक मान लेती है ना कि भाई मेरा हक है मुझे दो तो वो जालिम हो जाएगी हर किसी के नजर में सिर्फ घर वालों की नहीं आस पड़ोस में भी वो जालिम हो जाएंगी लेकिन जब भाई उसका औरत का हक हाँ कोई एहसान नहीं कर रहा वो बहन का हक ही दे रहा है और जब वो हक दे देना तो भाई हीरो बन जाएगा आप देखिए माशरे में कि भाई को हीरो की निगाह से देखेंगे अरे भाई ये इसने तो दे दिया अपनी बहन का हक हाँ। तो वो तो हक हाँ है ना भाई उसको देना ही है देना लेकिन जब औरत के मामले में बात आती है तो उसको जालिम बनाना है समाज मतलब ये वही बात है ना कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे समाज में जरा देखिए जिसके पास सिर्फ एक लड़की हो कोई बेटा नहीं तो लड़की को क्या हक हाँ मिलेगा बाप के पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लड़की को मिल जाएगा बाकी कहा जाएगा बाप के भाई यानी लड़की के चाचा को मिल जाएगा वहां देने के लिए तैयार समाज में कौन सी लड़कियां हैं जो अपने चाचा को विरासत में हक हाँ देती नहीं। है नहीं सारा का सारा यही हमारी ये बात होती है कि वो माफ करने के लिए तैयार है इनको मौका मिल जाए ना तो दूसरे का भी लेने के लिए तैयार है मैं दे देता हूँ बल्कि हमारे मोहल्ले की ये मिसाल है बाप का भी इंतकाल नहीं हुआ था उससे पहले उसके शोहर का इंतकाल हो गया यानी उस औरत के शोहर का इंतकाल उससे पहले हो गया और उसका बाप नहीं मरा था कि उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा लेकिन अभी से जैसे ये मरा उसी वक्त से वो हिस्सा मांगने शुरू कर दी कि मुझे मेरे शोहर का हिस्सा चाहिए हालांकि शोहर का एक दाना नहीं बनता है। सही बात चाहे बाप करोड़पति हो उसके शोहर का लेकिन बारे, बारे, अब को उसका कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि पहले बाप मरेगा उसके बाद बेटों को मिलेगा पहले बेटा मर गया अभी बाप जिंदा है तो बाप की प्रॉपर्टी में उस बेटे का कुछ भी हिस्सा नहीं है उसका बाप जो है अपनी तरफ से अगर कुछ दे दे वसीयतन दे दे वो बात अलग है लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं लेकिन वो औरत क्या है मुतालबा करती है और बाकायदा उसके घर में रही और आज भी उसी घर में रह रही है और अच्छा, वो इस बुनियाद पर वो इसका हिस्सा है और इसी, इसी के साथ में से एक जोड़ दू मैं अगर कोई मर्द एक इंसान है दूसरी शादी करना चाहता है शादी करने के लिए कोई लड़की देखा गरीब है ये है, जो भी है उसके शराय पर उतर रही हो लड़की वो शादी नहीं करने देगी पहली बीवी क्यों उसको क्यों क्यों हो सकता है माल दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए बहुत सारी वजह मैं सिर्फ यही नहीं कर रहा हूँ यही आ, एक, एक है। है बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह है कि औरत कहती है कि दूसरे लोग हमारे माल में शरीण शरीण बन जाएंगे इसलिए शादी नहीं हो सकती एडी चोटी अच्छा, है नहीं नहीं तो अब जाहिर है चचा का दूसरे लोगों का भी हक है उसमें इनका जुहा कह लेंगी बाकी दूसरों का हक है ये सात बहने चूंकि कुछ बहने पढ़ी लिखी भी थी बाकायदा मुसलसल कई महीनों से केस चल रहा है और ये बहने देने के लिए तैयार नहीं होंगी अपने मुताबिक फतवा लेने के लिए वो तैयार है लेकिन वो उनका जो हक है वो देने के लिए तैयार है इसमें तरह तरह के तो यार इनको जब मौका मिलता है ना ये दूसरे का भी हड़पने के लिए तैयार है अच्छा एक खास बात यह है कि मतलब और फिर क्या जो मैं आप सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि औरतों की भी जरूरत है उनका भी अपना खर्चा है यार बल्कि मर्दों से ज्यादा खर्चा तो उनका लगता है उनके भी अपने अखराज हैं अपनी जरूरियात हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है मतलब उनको माल ये की बात ये नहीं है कि जो औरतें ये कहती है कि मैं हम माफ कर देते हैं उनको चाहिए कि वो पहले अपना हक ले ले उसके बाद फिर वो अगर उसी भाई को वो देख रहे हैं कि वो गरीब है जो हक बांट रहा है वो नहीं जो है उसके पास सर्वाइव नहीं कर सकता है बहुत कम कमाई वगैरह है उसकी तो अगर वो उसको देना चाहती है तो वो दे दे बाद में पहले ले ले उसके बाद दे यही सही तरीका है विरासत में खास हमने जो एक तो बात की कि औरत का हक जो महरूम किया जा रहा है औरत को महरूम किया जा रहा है

बहन का हक उसके पास किस हैसियत से तोहफा बहन ने तोहफा दे दिया जबरदस्ती यार तोहफा तो आदमी तो खुद देता नहीं। है ना उसने उसने कोई समाज का प्रेशर है कभी कभार हो गया ये मसला ऐसा है ना देखिए कभी कभार मामला ऐसा भी होता है ना यानी दोनों तरफ से हमको देखना है कभी कभार मामला ऐसा भी होता है भाई गरीब है बहन बहुत मालदार है यानी बहन का शौहर बहुत कमाने वाला है माशाल्लाह इतना है कि अल्लाह तला ने बहुत कुछ दिया है तो ऐसी सिचुएशन में भी कभी कभार बहन ये कह देती है कि भाई चलो मैंने माफ कर दिया लेकिन तो, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर बहन को करना भी है तो वो ले करके करे जबानी ना कहे कि हाँ, मैंने ले कर दिया हेल्प कर दे हाँ मतलब ये 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 उनको ऐसा आए लगता आए है कि ये झंझट होती है की जो कुरान के आया उसमें से एक नुकता मुझे ये याद आ रहा है कि और इसके आखिर में जो आया था नसीब मफरूजा इसमें जो मफरूजा का जो लफ्ज लगाया गया क्योंकि एक तो नसीब नसीब मानी भी कुछ एक खास मुतयन मुत्यन जोड़ दिया गया फिक्स कर दिया गया लेकिन साथ में जो मफरूजा लगाया गया है ना इसका मतलब ये हो जाता है कि वो हक माफ नहीं हो सकता पहले वो मुंतकिल होगा पहले उस इंसान के पास आएगा यानी जो जायदाद है जो प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा जितना भी माल है पहले उसके कब्जे में आएगा आने से पहले माफ नहीं, नहीं हो सकता आने से पहले माफ कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो नसीबन मफरूजा है जो लफ्ज लगाया ना अल्लाह ने ये यह लगाया गया है मफरूजा जो लगाया गया हिस्से में आएगा जब उसका कब्जा हो जाएगा तब उसमें कुछ नहीं यहाँ पर एक ऐतराज होता है इस्लाम की इतनी खूबसूरत बातें आप लोगों ने रखी है सबके सामने और जो लोग इस्लाम की इस निजाम को नहीं जानते हैं और वही लोग पहले जो औरतों पर गते थे जुल्म करते थे वो इस्लाम के आने के बाद वो इस्लाम पर भी एक एतराज कर रहे हैं वो एतराज समाज में मौजूद है इसलिए इसका जिक्र करके और इसका जवाब भी अगर डिस्कस हो जाए तो बहुत अच्छा होगा वो क्या है एतराज कि मर्दों को दो हिस्सा और औरतों को एक हिस्सा ये इस्लाम बोलता है कि मैं इंसाफ पसंद हूं कौन सा इंसाफ है यहां पर लोगों ने जिक्र किया तो लोगों का यह कहना कि औरतों के साथ ये ना इंसाफी है जबकि मैं कहता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से फिक्स है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क्रिएटर है अल्लाह रब्बालमीन खालिक है वो जानता है कि उसको कितना हक हाँ देना है एक जवाब ये दूसरा जवाब हम ये देना चाहते हैं कि मर्दों पर अल्लाह रबी ने खर्च की जिम्मेदारी मर्दों पर रखी है औरतों पर नहीं रखी है औरतों पर जो खर्च होता है ना वो जिम्मेदारी सब के सब मर्दों का उसकी जो भी करीबी रिश्तेदार बाप है तो बाप की हैसियत से खर्च करेगा उसके ऊपर शोहर है तो शोहर की हैसियत से खर्च करेगा भाई है तो भाई की हैसियत से खर्च करेगा हर तरह से खर्च की जिम्मेदारी मर्दों की है औरतों की नहीं इसलिए उनको कम रखा गया एक तीसरी जगह यह कि औरत जो बजाते खुद जो भी थोड़ा बहुत शेयर उसको मिल रहा है वहां पे वो शेयर खुद पर खर्च करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं इस्लाम की यह खूबसूरती है कि वो अगर खुद पर अगर उसको खर्च करना है ना तब भी शोहर की जिम्मेदारी है और बाप की जिम्मेदारी है भाई की जिम्मेदारी वो लोग उठा करके उसको खर्चा दें इसलिए और है। इस्लाम ने खास किया हुआ है हाँ। औरत का जो भी हक है इस्लाम ने उसको खास किया हुआ उसको बाप की तरफ से यहाँ से तो हर तरफ से उसका हक मिल रहा है वही कहना चाहिए सब तो जमा रहता है सब जमा रहता है इसलिए औरतों का जो कम दिख रहा है बाहर वो कम नहीं हो ना इंसाफी के बेस पर नहीं है बल्कि वही आदले वही वो बराबर हो जाता है आगे वही आगे। इस्लाम है इस्लाम की ये खूबसूरती जुमला है वल्ला यानी जो जितना पिघलता है उसको उतना हिस्सा दिया गया है और औरत जो घर में बैठी रहती है उसका आशियाने में बैठी रहती है अपने उसको इस्लाम ने हक उसका जो है जब दिया गया तो उस पर भी एतराज कर एक कंडीशन और है जिस कंडीशन में औरतों को ज्यादा हो जाता है जी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें औरतों का हक मर्द से ज्यादा आ जाता है मान लीजिए ये है कि दो बेटियां हैं और फिर एक उनका चचा है औरतों का भी वाले वाले और और तो हक हाँ कहीं ना कहीं ज्यादा आ जाता है ऐसा नहीं कि इस्लाम बेहतर जानता है और समाज में से एक बहुत सारी गलत फहमिया भी है विरासत की तकसीम को लेकर एक तो तकसीम होती नहीं है लोगो को इसका और सही तौर पर बांटा भी नहीं जाता फिर ये की कोई भी किसी भी तरह से बांट दे रहा है हालांकि इसका पूरा सिस्टम है निज़ाम है तरतीब क्या है कि सबसे पहले इसकी तदफीन का इंतज़ाम मरने वाले के कफ़न दफन का इंतज़ाम उसके पैसों से होगा समाज में क्या करते हैं लोग मर गया कोई इंसान किसी घर में उसका इंतकाल हुआ तो आस के जो खैर खा लोग होते हैं ना वो आकर के, के हमारी तरफ से कफ़न रहेगा हमारी तरफ से कब्र खोदने का पैसा रहेगा ज़मीन का पैसा रहेगा वगैरह वगैरह हालांकि ये किसी की जिम्मेदारी नहीं थी इस्लाम ने उसी मैयत के हक में जो उसका माल है उसी में से पहले निकालने का हुक्म दिया कि पहले उसका हिस्सा निकाल लो तदफीन का हिस्सा निकाल लो कफन दफन में जो भी लगेगा ये मैय अगर जिंदा होता क्या वो पसंद करता कि मेरे हेल्प की जाए मेरी हो सकता ना पसंद करता खुदारी नहीं और हो सकता तोहफा भी है तो तोहफा कबूल ना करता वो उसकी मर्जी थी तो इस्लाम ने कहा कि जो उसका पैसा सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम किया जाए वरासत बटने से पहले दूसरी बात अगर कोई कर्ज था उसके ऊपर चाहे मान लीजिए पांच लाख उसकी विरासत है दस लाख का कर्ज था ना तो सारा का सारा पैसा कर्ज में चला जाएगा वारिशों को एक रुपया भी नहीं मिलेगा कर्ज अदा किया जाएगा और लोग क्या करते हैं कर्ज अदा करने से पहले अपनी विरासत बांट लेते हैं क्या कहते हैं लोग समाज की बात तो सुनिए क्या कहते हैं मर जिम्मेदारी बेटा उसको बाप के कर्ज को अदा करने के बजाय क्या बोलते और तीसरी बात है तीसरी बात है वसीयत अगर उस बंदे ने वसीयत भी दायरे में की जायज माल की है एक तिहाई माल से कम की किए और ये कि वारिस के लिए वसीयत ना की हो यानी अपने बेटे ही के लिए वसीयत ना कर दियो अगर वसीयत इस दायरे में तो वसीयत को भी नाफिज किया जाएगा जब ये तीनों चीज हो जाएंगी चारों तब चारों माल बटेगा, माल बटेगा। आ, उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा। सारी बहुत सारी चीजें आती है बच्चे ने नाफरमानी की उसको कर अपने गलत वसीयत नहीं मानी जाएगी गलत जिनका हक बन रहा है यानी जो वारिस हो रहे हैं उनके लिए वसीयत नहीं हो सकती उनके अलावा कोई भी हो उनके लिए वसीयत हो सकती है चलिए बात जैसे आई है तो वसीयत की बात यानी हमने ये कहा कि विरासत किस तरह बांटी जाएगी तो सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम हो उसके कर्ज को अदा किया जाए फिर वसीयत को नाफिज किया जाए फिर जो माल बचा है वो, वो बांट दिया जाए, जाए। और गया एक बात चेक इसमें यह है कि समाज में गलत फहमिया है किसी भी बुनियाद पर किसी भी बुनियाद पर आकर के बच्चे को या बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते वो किसी के साथ भाग गई वो गलत है बिल्कुल गलत है लेकिन उस बुनियाद पर उसको विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता चाहे वो कितनी बड़े गुनहगार क्यों ना बन जाए सिर्फ तीन चीजें मान लीजिए गुलाम है अब तो गुलाम का सिस्टम नहीं गुलाम वारिस नहीं बन सकता था दूसरी चीज अगर उसने कतल किया है अगर कतल किया है तो वारिस नहीं बन सकता या काफिर हो जाए लाइ रिस मुस्लिम चीजें इन तीन चीजों के अलावा चाहे कितना ही बड़ा गुना किया हो कितनी बड़ी घर की रिवायतों को तोड़ा हो उस बुनियाद भी कभी कभी देखने में आती है बच्चा नाफरमान हो जाए ना तो उससे महरूम नहीं इसको नहीं मिला इसमें देखिए विरासत से महरूम करने की जो बात है एक तो गलत उसकी हरकतों की वजह से महरूम किया जाता है बाद जगह ऐसी भी है जो हमने अपनी आंखों से देखा है इस बात की धमकी दी जाती थी अगर तूने तो ये मसला के नदीस अगर तू तो हो गया तो रास्ते से तू बेदखल हो यानी सही रास्ते पर अगर कोई बंदा आना भी चाह रहा है उस रास्ते पर आने की वजह से भी उसको बेदखल होने की धमकी कर दी जाती है नहीं तो ये तो क्लियर है ना कि भाई वो तीन चीजें हैं उसके अलावा कितना बड़ा वो गुनाह क्यों ना करे उसको उसके हक से हम महरूम नहीं कर सकते अल्लाह तला देख ने रखा है तो उसका वो हक है इसमें कोई शक नहीं अच्छा इसमें एक खास बात है वक्त काफी हो रहा है कि बहुत से घराने ऐसे हैं आमतौर पर आपने भी मुशाह किया होगा कि बाप मौजूद है और उसकी जिंदगी ही में उसके सामने बंटवारा हो जाता है तो ये भी मतलब बाप के मरने के बाद या कोई भी है जब वो मरेगा उसके बाद ही उसकी वरासत तकसीम हो सकती है जिंदगी में तकसीम नहीं हो सकती और जिंदगी में अगर बांटेगा तो सबको बराबर सब देगा। सब बराबर वो हदिया होगा वो के तौर बराबर बराबर का नाम है ना कि जिंदगी में तो ठीक है बच्चे या तो जबरदस्ती करवा लेते हैं या बाप मजबूरी में कर देता है जबकि नहीं करना चाहिए उसके बहुत बुरे नतज होते हैं बाप की जिंदगी में विरासत तकसीम कर देने के वसीयत वो कर सकता है मैं ये समझता हूँ ना, ना कि अगर बाप को बांटना भी है ना तो वो सिर्फ वसीयत लिख दे कि भाई मेरी वफात के बाद मेरा माल जो है शरी तरीके के मुताबिक तकसीम होगा और जब बाप मर जाता है ये तो जिंदगी की बात है और जब मर जाता है ना तो या तो तकसीम नहीं होती या तकसीम होती है तो बड़ी ताखिर से होती है नहीं इसमें इसमें एक गर बात और है ना कैसा ना कि आ, बहुत से लोग ये बहाना या शोशा या शुभा छोड़ते हैं कि भाई आ, अगर हमने जिंदगी में तकसीम नहीं किया ना तो वो बाद में झगड़ेंगे लड़ेंगे जाति करेंगे तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने सामने ही हिसाब से सबको क्लियर क्लियर दे दें तो इसमें मसला कैसा है भाई आज के दौर में बतौरे खास ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वकील को बुनाए पेपर लाए दस्तखत करे वसीयत कर दें भाई मरने के बाद सबको बराबर वो मतलब इसमें कुछ लोग जो है बाद में बाद, बाद में बात इसका नतीजा होता है क्या इसका मतलब इसका अंजाम क्या होगा अगर जिंदगी में तकसीम कर देते हैं अगर तो सबसे पहला नुकसान तो ये हो जाएगा कि अगर जिंदगी में नाफिस कर रहे हैं उसको तकसीम कर रहे हो तो बराबर बराबर देना होगा आपको बराबर में आप अगर बाप तकसीम कर रहा है तो बराबर क्या बीवी को देगा बीवी को नहीं देगा क्योंकि लेवल में बराबर दिया जाता है बच्चों को बच्चे लेवल में बराबर हैं चाहे बेटी हो चाहे बेटा सबको बराबर बराबर दिया जाएगा लेकिन बीवी को नहीं दिया जाएगा बीवी बीवी को बराबर नहीं दिया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे अगर खुदा न खास्ता उस बीवी का इंतकाल हो जाए तो उस बीवी का इंतकाल हुआ तो नुकसान ये हुआ इनका आपके जब पैसा आपका था आपने तकसीम कर दिया उसको अब बीवी के इंतकाल होने के बाद बच्चों में तो बटेगा

माल जो फिर हो रहा होता है।, है ना वो आ जाते हैं इसमें और एक तीसरा नुकसान ये होता है ना कि अगर खुदा ना खासता बच्चे नाफरमान निकल गए अल्लाह ना करे ऐसे किसी के बच्चे नाफरमान निकले नाफरमान निकल गए सब के सब आपको बाइकआउट कर दिए तो आपका जो घर था आज भी स... जा आप देखेंगे ना तो मुताल जो होता है ना वो बच्चों लड़कों की तरफ से होता है ज्यादातर जो देखा जाता है लड़ाई झगड़ा ना हो नहीं लड़कों की तरफ से मुताबा होता है लेकिन जब अगर बाप अगर शरी ऐतबार से देने आ जाए ना तो लड़के कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि मेरी जिंदगी में विरासत तकसीम करो क्योंकि उनको पता होगा कि भाई अगर जिंदगी में बाप बांटेगा मुझे पांच लाख दे रहा है तो बेटी को भी पांच ही लाख देगा और अगर मरने के बाद तकसीम होती है तो मुझे मिलेगा मिलेगा तो तो बेटी को को सही और सथी। इसमें जब आदमी नुकसान होगा तो ये, ये, इसमें को से से एक ये पहलू नहीं है बल्कि एक दूसरा पहलू ये भी है ना कि मतलब बाप का इंतकाल हो गया मतलब एक लंबा वकफा गुजर गया और वरासत तकसीम नहीं हुई ऐसा भी देखने को आता है बहुत से ऐसी मिसालें आपको समाज में मिल जाएंगी कि एक लंबा वकफा हो गया अभी माल की तकसीम नहीं हुई है हालांकि जब इंतकाल हुआ तो होना यह चाहिए कि जिसका जो हक बनता दे दो है ना क्योंकि तो हो सकता है उसको कारोबार करना हो किसी को घर तो कि उसका जहाँ वो, वो खर्च करना चाहे जैसे यूज करना उसका हक है अब बड़े भाई है जो घर के जिम्मेदार है वो समझते हैं कि भाई ये हमारी शान के खिलाफ है के रे बाप मर गया ये लोग बंटवारा कर लिए ये लोग बंटवारा कर लिए हालांकि बंटवारा ना करने की वजह से कितने नुकसान होते हैं वो आदमी उसको महसूस नहीं करता सिर्फ नाक की बुनियाद पर जिंदगी में तकसीम करने के एक नुकसान और मैं जिक्र कर दूं कि एक नुकसान तो यह होता है कि अगर चलो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी की बीवी का इंतकाल हो गया अब तो तकसीम कर दिया आपने सब तो इंतकाल होने के बाद अब दूसरी शादी किया उसने कहा <laughs> जाता है ना कि एक दिन भी आप बगैर बीवी के ना गुजारो बगैर शादी के मत रहो क्योंकि समाज में फितने और समाज में बुराइयां फैलती हैं तो जब ये दूसरी शादी करेगा अब वो कमाने के लायक नहीं है बहुत बात करने के मतलब ताकतवर नहीं है तो इस बीवी और इसके बच्चों का क्या होगा इससे बच्चे होंगे तो कैसा ना भादा भादा ना देखिए अब अगर जैसे वक्त बंटवारा हो जाता ना तो हर शख्स अपने तौर पे खड़ा होने की कोशिश करता मेहनत करता दो करता है जब बंटवारा नहीं होता ना तो हर इंसान ये सोचता है कि यार मैं अगर ज्यादा कमाऊंगा तो सब खाएंगे मैं क्यों जिम्मेदार बनू है ना और फिर वो ज्यादा कारोबार नहीं करता या करता भी हो तो पैसा छुपाने की कोशिश करता है ये सारे मसाइल पैदा होते हैं ऐसे भी हमने घराने देखे ना कई नहीं नहीं बन बन जिक्र कर दू यहाँ पे कि, आ, नहीं एक बात मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ सिर्फ कि बहुत सारे वालदेन मतलब अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में या अपने बिजनेस वगैरह में शरीक किए रहते हैं वो काम कर रहा है उसी दुकान में वो सारी उसका वो शेयर फिक्स नहीं करते कि भाई पार्टनर है या कि आगे भी, हाँ भी क्लियर होना चाहिए है वो नहीं होता है तो चल करके ऐसे होते हैं देखिए अभी जो हमने बात किया बतौर खास लड़कियों के तालु से बात की या बीवी के तल्लु से मान लीजिए बात की लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी होते होते है ना जिसको बिल्कुल महरूम कर दिया जाता है बल्कि आम तौर से ये ख्याल है कि इनको देकर क्या होगा मान लीजिए कोई बूढ़ी दादी है या कोई बूढ़ी औरत हो गई है तो उसको देने का तस्वूर ही नहीं है कि वो माल का क्या करेगी हालांकि उसको भी माल की जरूरत है और आपसे ज्यादा जरूरत है वो इस लिहाज से कि जब शादियाँ हो जाती है सब बच्चों की शादियाँ हो जाती है सब अपने अपने गृहस्थी में मस्त हो जाते हैं और फिर आता है मसला कि वो उनकी माँ कहाँ रहेगी बहुत कम होता है कि कोई रखना चाह रहा है चलो तो अच्छी बात है अगर कोई रख लेता अपने साथ लेकिन वो इख्तियार में है वो किसी के साथ भी रहे अगर उसके पास उसका माल रहे उसका अपना फ्लेट रहे उसकी अपनी गृहस्थी रहे उसके पास वो मालदार होगी तो वो अपना खर्चा बासानी चला सकती है

लेकिन समाज ये समझता है कि इसको देने का कोई हक ही नहीं है या इसके दे गए करेगी क्या बहुत कुछ क्या कर सकती है, है। सदका खैरात कर सकती हाँ। है वो अपने लिए तो जो भी बना के बना कर सकती सकती है है बना बना बहुत कुछ किया जाना चाहिए तो शावित भाई आजकल जो मिराज का मसला चल रहा है ये औरतों को महरूम किया जा रहा है और छोटे लड़कों को भी महरूम कर दिया जाते हैं बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जगह पर जुल्म होता है इस तल्क से आप क्या आखिरी बात नहीं है खास बात यही है भाई की देखिए ये बहुत सीरियस मैटर मतलब इतना सीरियस मैटर है ना कि आप तस्वर नहीं कर सकते अल्लाह ने खुद तफसील के साथ बयान कर दिया और अल्लाह तला ने मोहर लगा दी कि बस इसी अंदाज में होना चाहिए अल्लाह तला अपना हक छोड़ सकता है माफ कर सकता है लेकिन ये बंदों का हक है आपको देना ही देना है हर सूरत में और अगर आप नहीं देंगे तो फिर अल्लाह तकबले आपका मैं इसमें सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा सबसे पहले तो ये अल्लाह तुम मीराज के अहकाम बयान किया है उसके बाद आखिर में अल्लाह तिल का खूब ये अल्लाह की हदे है અહમમ યુતુ અલ્લાહ વ રસુલહુ જો ઇસ પર અમલ કરેગા અલ્લાહ તઆલાને કહા ઉસકે લિયે જન્નત કે બાગાત હૈ જિસ્કે નીચે સે નહેરે જારી હોગી ઓર વો કામિયાબ હૈ ઓર યે બડી કામિયાબી હૈ ઓર અલ્લાહ તઆલાને કહા કે વમે યાસિલ અલ્લાહ વ રસુલા જો ઉસકા નાફરમાની કરેગા અલ્લાહ કે બનાઈ હુઈ હા અલ્લાહ કે બનાઈ હુઈ હુદૂદ કો પામાલ કરેગા તો અલ્લાહને કહા વો જહન્નમ મે રહેગા ઓર વો ઉસમે હમેશા અમિત રહેગા और वल्हू आजा अल्लाह में हम लोग इस मसले में इसलिए भी आगे आए ना ताकि लोगों के लिए आइडियल तो और नमूना बने मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात जिक्र करूंगा की जो लोग जुल्मन माल खा रहे हैं कल क्यामत के दिन एक मुफलिस की तरह से गरीब की शकल में अल्लाहबूल आलमी के दरबार में खड़े होंगे और वहा वो लोगों का माल गासिब होकर करके, करके खाया होगा क्यामत के दिन उन लोगों को अल्लाह जहनम में फेंक देगा कि कि अगर किसी के पास अपने भाई का कोई जुल्म है चाहे उसकी इज्जत के तलु से या माल, माल के तालु मिनहू अल के आज ही उसका फैसला करा ले आज ही हलाल करा ले कबल इसके की आ जाए कि उस दिन ना कोई दिरहम कबूल होगा ना कोई दीनार कबूल होगा अगर वो जालिम है तो मजलूम के गुना उसके ऊपर लपेटे जाएंगे पहले तो उसकी नेकियां दी जाएंगी नेकियों से भरपाई नहीं होगी तो मजलूम के गुना उसके ऊपर लाद करके उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो ये दुनिया छोटी सी दुनिया है और हकीर इसका माल है इस माल के लिए अपनी आखिरत को अपनी आकेबत को जन्नत को अपने हाथ से छोड़ रहा है कोई इंसान ये बड़ा ही आसान वाला सौदा है और फिर जो इस्लामी हदूद है इस्लामी मीराज का जो सिस्टम है बड़ा प्यारा सिस्टम आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती अगर इस सिस्टम को नाफिज किया जाएगा तो हर इंसान की इज़्ज़त महफूज रहेगी हर इंसान माली लिहाज से कफ़ील रहेगा खुद कफ़ील रहेगा उसको फिर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है औरतें मजबूत बनेंगी जो औरतों पर जुल्म हो रहा है और जिसकी वजह से इस्लाम पर दबाव बनाया जा रहा है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ऐसे ऐसे जो नुकसान है जो हमको नज़र नहीं आ रहे नज़र आ रहे हैं लेकिन हमको लगता नहीं इसकी जड़ कहाँ है वो भी खत्म हो सकते हैं एक, एक इस बारे कानून बारे को नाफिज करने की वजह से एक बात और इजाफा इस... कर दूं आज जो औरतें आजादी का मार्च निकाल रही हैं और सारी चीजें मुतालबा कर रही हैं बेहई को दे रही हैं उन औरतों को चाहिए कि अपने हु तो ने और इस्लाम ने उनको दिया है। ये मसला है एकदम सन्नाटा समाज में यार तो इसको ना मुद्दा बनाने की जरूरत है इस पर चर्चा बहस करने की जरूरत है और इस मसले को आम करने की जरूरत है जैसे चोर को चोर कहा जाता है ना जानी को जानी कहा जाता है ना जो गुंडा होता है उसको गुंडा कहा जाता ना ये डकैती है मतलब समाज में विरासत गलत हाँ, कहा जाए 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 उसको विरासत खोर कहा तो गलत जगह से देखा जाए। तो इसको मुद्दा बनाने की जरूरत है जाएगा इस पे एक बहुत कम चर्चा भी होती है हमारे दर्श होने चाहिए इस पर चाहिए बात होना एक लहर पैदा करने की जरूरत है उम्मीद करता हूं आज की इस बहस से और इस गुफ्तू से सामीन का बहुत फायदा हुआ मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने आप तक महदूद ना रखें बल्कि हर घर इससे मुतासर है हर घर में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ये पैगाम पहुंचना चाहिए के मिराज का हक किस तरह से दिया जाए किस किस को दिया जाए और किस किस मौके से दिया जाए फिर मिलेंगे हम अपने किसी और मौजूद के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और मेरे मेहमानों को भी इजाजत दीजिए तब तक के लिए देख रहे है आई प्लस टीवी दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें